सरस्वती लक्ष्मी कर मधे सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्रवसने देवी पर्वतनमंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं समस्वमी ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतौ कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् सनत् कुमार सनक सनंदन तेना तनोप्यासुर पिंगलौ च सप्त सुरा सप्त रसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् सप्तर्णवा सप्त कुलाशलाश सप्तर्षयो द्विपवनानि सप्त भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् पृथ्वी सघंदा सरसा तथाप स्पर्शी च वायुर्जवलं च तेज नभ सशब्दं महता सहेव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् प्रातिस्मरणमेतद्यो उदित्वा धरद्वात्पठे स सम्यक् धर्मनिष्ठस्य संस्मृता खंड भारत भारत माता की जय। आज हम गायन के पश्चात प्रातस्मरण के तीन श्लोकों का अनुवाद करेंगे। कराग्री वस्ते लक्ष्मी कर मधि सरस्वती। कराग्रियन कर हाथ, अग्रियनी आगे के भाग, हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और नीचे के भाग में विष्णु का निवास है। अतः प्रातःकाल अपने हाथों को देखना चाहिए। हाथों को देखने से हमें लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु जी का दर्शन प्राप्त होते हैं, इसलिए हमें हाथों को प्रतिदिन देखना चाहिए। दूसरा श्लोक है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं समस्वमे। समुद्र रूपी वस्त्र वाली, पर्वत रूपी स्तन वाली विष्णु की पत्नी स्वरूपा, हे धरती माता, मेरे द्वारा किए गए पैरों के स्पर्श के लिए मुझे क्षमा करे। यानी धरती माता से हम क्षमा याचना मांगते हैं कि मेरे द्वारा जो आज का काम होगा, जो मैं धरती पर चल रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम हो जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तीसरा श्लोक है, ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता, विष्णु एवं शिव, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध और बृहस्पति, शुक्र शनि राहु और केतु, ये सब मेरे लिए प्रातःकाल को मंगलकारी बनावे। इसमें कहा गया है जो सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, इसको त्रिदेवता कहते। सूर्य चंद्रमा यानी हमारे जितने भी सौर मंडल में ग्रह है, उपग्रह है, इन सब से हम
ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे लिए प्रातःकाल मंगलकारी बनावे। फिर अभ्यास कार्य है, अभ्यास कार्य में 3 प्रश्न है। हाथ के अगले भाग में किसका निवास है? प्रातःकाल हाथों को देखने से हमें किनके दर्शन प्राप्त होते हैं? और तीसरा है, प्रातःकाल के तीसरे श्लोक में किनसे प्रातःकाल मंगलकारी बनाने की कामना की गई है?